अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में बच्चों यहाँ पर देखिए OH माइनस लिया हुआ है, तो OH माइनस एक बेस है और हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस कैसा कराता है? E2 एलिमिनेशन कराता है। और E2 एलिमिनेशन में भी कैसा एलिमिनेशन होता है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए जो लिविंग ग्रुप है हमारा, यहाँ पर अब हैलोजन ना देकर क्या दिया हुआ है? टोसाइलेट ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, टोसाइलेट आयन होता है, आप जानते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए ये लिविंग ग्रुप तो हो गया, और ये कहाँ पर दिया हुआ है? प्लेन के नीचे दिया हुआ है, और चूंकि E2 एलिमिनेशन होने वाला है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये एक लिविंग ग्रुप है और वो प्लेन के नीचे दिया हुआ है और एंटी एलिमिनेशन होना है, तो हाइड्रोजन हमें कहाँ पर चाहिए? हाइड्रोजन हमें प्लेन के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इस लिविंग ग्रुप के ठीक बगल वाले पोजीशन पर, देखिए ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, और इधर भी बीटा है। ठीक है, अब हम अगर B2 देखिए यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन में ये जो लिविंग ग्रुप है ये प्लेन के नीचे है, तो हमें हाइड्रोजन ढूंढना है कहाँ पर? प्लेन के ऊपर ढूंढना है, और वो भी कहाँ पर? बीटा पोजीशन पर। तो देखिए बीटा पोजीशन पर देखिए यहाँ पर वेज पर जो है ना CH3 दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वेज पर CH3 दिखाया हुआ है, इसका हम लोग 100% हाइड्रोजन कहाँ चला गया? डैश पर। और इस वाले बीटा पोजीशन पर देखिए दो दो हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर रहा होगा और एक हाइड्रोजन नीचे रहा होगा, समझ गए बात को? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? यहां से हाइड्रोजन और OTS दोनों जब रिमूव होगा, कहने का मतलब इधर से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने वाला है, तो जहां से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा प्रोडक्ट भी कहां से मिलेगा आपको? मेजर प्रोडक्ट वहीं से मिलेगा, तो बताइए कौन सा होगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहां पर बी। समझ में आई बात? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ दीज डिहाइड्रेट मोस्ट इजली। देखिए अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है ना, जैसे देखिए जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में होता है, H+ के प्रेजेंस में, तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाता है बच्चों? प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन के बाद जो है यहां पर क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, और चूंकि कार्बोकेटायन बनता है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, तो अल्कोहल, ध्यान रखिएगा हमेशा कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। ठीक है, और यदि किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है या रेट जो है, ठीक है, सब कुछ जो है किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? सब कुछ डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जहां कहीं पर भी OH लगा हुआ है आपको वहां से OH को हटाना है, कार्बोकेटायन बनाना है, और कार्बोकेटायन का जो है स्टेबिलिटी देखिए, जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेजर प्रोडक्ट उसी का होगा। तो कहता है इसमें से कौन सा डिहाइड्रेट जो है ना फास्टली होगा, ठीक है, फास्टली डिहाइड्रेट होगा, तो भाई जिसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वही डिहाइड्रेट सबसे फास्टली होना चाहेगा, समझ गए बात को भाई? OH जो है, OH मतलब H2O यहां से किस में से फास्टली निकलेगा? तो जिसको पता है कि भाई जैसे मान लीजिए चार कंपाउंड दिए हुए, तो चार कंपाउंड में जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली वो फटाक से अपने आप को बदलना चाहेगा, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए तो सारा खेल हो रहा है। तो देखिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बना लिया, तो देखिए 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, यहाँ देखिए बेंजीन पर कार्बोकेटायन, तो बेंजीन पर कार्बोकेटायन तो हाईली अनस्टेबल होता है, समझ के बात को? यहाँ पर देखिए यहाँ भी कार्बोकेटायन बना, तो लेकिन ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बना है, ये कैसा है? ये भी 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है, यहाँ से भी आप इसको रिमूव कीजिए और यहाँ बनाइए, तो देखिए ये जो है आपको 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है। हमें पता है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा डिपेंड करता है रेजोनेंस पर, लेकिन रेजोनेंस तो कहीं पर नहीं हो रहा है, बोलोगे यहाँ पर, तो भैया बेंजीन रिंग पर तो कार्बोकेटायन सबसे पहले नंबर अनस्टेबल है, तो ये तो सबसे पहले ही गया, अब बचा ये, तो ये 1 डिग्री है दोनों का दोनों, और ये है 3 डिग्री, तो सवाल उठता है स्टेबल ज्यादा कौन है? तो स्टेबल ज्यादा वही होगा जिसके पास ज्यादा अल्फा एच होगा, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन को यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी किससे? हाइपर कंजुगेशन से, समझ गए बात को? तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच की बात करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पर अल्फा एच की बात करेंगे तो देखिए 3, 2, 5, 2, 7 है,
और यहाँ पर अल्फा एच की बात करेंगे तो जीरो है ही नहीं, 1 डिग्री है लेकिन है ही नहीं, समझ के बात को, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर बी का जो कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, इसीलिए यही वाला OH जो है फास्टली डिहाइड्रेट यहाँ से होगा, समझ के बात को। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत करते रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ करूँगा और करता ही रहूँगा, ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप बोल भी सकते हैं, ज़रूर बोला कीजिए, अच्छा लगेगा, उससे ये पता लगता है कि चलो भाई किसी को फ़ायदा तो हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में यहाँ पर देखिए जो है सोडियम मिथॉक्साइड है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो मिथॉक्साइड आयन जो है यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में E2 रिएक्शन होता है, ये भी बोल दिया है E2 हो रहा है, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, बहुत आसान कर दिया। E2 रिएक्शन में आपको पता है कि एंटी एलिमिनेशन होता है, क्या होता है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन, और एंटी एलिमिनेशन में बस यही बात ध्यान रखना है कि जहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, देखिए ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अल्फा पोजिशन और इसके बगल में इधर बीटा और इधर बीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें एलिमिनेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ब्रोमीन रिमूव होगा तो इसके ठीक बगल वाले पोजीशन से, बोले तो बीटा पोजीशन से जो है ना, ये जो बेस है ये क्या करेगा, वहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तभी तो वहाँ पर कार्बन आयन बनेगा, समझ के बात को, और कार्बन आयन बनेगा उसी कारण यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, यही होता है इसका मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि ब्रोमीन जो है प्लेन के नीचे है और होना है एंटी एलिमिनेशन, ब्रोमीन प्लेन के नीचे है और होना है एंटी एलिमिनेशन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमें कहाँ पर चाहिए, हाइड्रोजन हमें चाहिए प्लेन के ऊपर, वो भी बीटा पोजीशन पर, ठीक है। तो ढूंढते हैं, देखिए अल्फा के बगल में जो बीटा है, देखिए बीटा में यहाँ पर देखिए जो वेज है, वेज मतलब प्लेन से ऊपर, यहाँ पर देखिए मिथाइल को फिक्स कर दिया गया है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भैया हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर इस वाले बीटा पर भी देखिए यहाँ पर मिथाइल को ऊपर कर दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन नीचे है। तो चूंकि बीटा पोजीशन पर जो है दोनों जगह हाइड्रोजन नीचे है ना, बीटा पोजीशन पर दोनों जगह हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, और हमें एंटी एलिमिनेशन कराना है, तो एंटी एलिमिनेशन कराने के लिए चूंकि ब्रोमीन प्लेन के नीचे है तो हाइड्रोजन को तो प्लेन के ऊपर ही होना चाहिए था, वो भी बीटा पोजिशन पर, समझ के बात को, लेकिन दोनों बीटा पोजिशन में से एक भी बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर नहीं है, तो अब क्या करें भाई, तो तुक्काबाजी करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, देखिए हर हमेशा जो सही कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें, समझ के बात को। तो E2 एलिमिनेशन में एंटी एलिमिनेशन होता है, चूंकि ब्रोमीन नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए था ठीक बगल वाले पोजिशन पर, नहीं है कहीं पर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा ही नहीं, समझ के बात को, तो हम बोलेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट में फिर से देखिए वही टेट्रा अल्काइल एमीन आ गया, ठीक है, तो टेट्रा अल्काइल एमीन में क्या होता है बच्चों, कार्बन आयन बनता है, बोले तो ट्रांजिशन स्टेट होता है, और उस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर के बेस पर जो है यहाँ पर हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे देखिए जहाँ से ये जो टेट्रा अल्काइल एमीन ग्रुप लगा हुआ है ना, उसको हम अल्फा पोजिशन बोलेंगे, ठीक है, और आपको पता है कि इन सब में जहाँ कहीं पर भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं हर जगह अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो है अल्फा पोजीशन पर तो ये एक प्रकार से लिविंग ग्रुप का काम करेगा, है ना, ये तो लिविंग ग्रुप का काम करेगा, लीव करने के लिए तैयार है, तो लीव करेगा तब ना जब सबसे पहला नंबर इस बेस के द्वारा हम क्या करेंगे, इस बेस के द्वारा जो है बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, ठीक है, और बीटा पोजिशन पर जो है हम उसकी स्टेबिलिटी को भी देखेंगे, ठीक, देखिए यहाँ पर तो ये OH माइनस जो है, सबसे पहले हम बीटा पोजीशन में आपको बताता हूँ, देखिए बीटा पोजीशन यहाँ पर है, बीटा पोजीशन यहाँ भी है और बीटा पोजीशन यहाँ भी है, ठीक है। अच्छा तो अब हमें क्या है कि ये OH माइनस क्या करेगा, इन तीनों बीटा पोजीशन से, मतलब तीन पॉसिबिलिटी है, इन तीनों बीटा पोजीशन से यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकाल के ये H2O करेगा, बोले तो हर जगह जो है कार्बन आयन बना देगा, तो देखिए यहाँ भी कार्बन आयन, ठीक है, यहाँ भी कार्बन आयन और यहाँ भी कार्बन आयन बन रहा है, समझ के बात को। तो अब इन तीनों कार्बन आयन में जो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा
उसी का मेजर प्रोडक्ट होगा, समझ के बात को। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में आपको पता है E2 एलिमिनेशन होता है, और E2 एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर एनायन बन रहा है तो आपको एनायन का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। एक तो ये हुआ, और अगर मान लो रटने के हिसाब से, रट्टाफिकेशन के हिसाब से, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि टेट्राल्काइल एमीन के सिस्टम में जो है आपको लेस क्राउडेड बोले तो हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इस अल्फा बीटा में एलिमिनेशन कराएंगे तो क्राउडिंग मिलेगा, यहाँ कराएंगे तो क्राउडिंग मिलेगा, और इधर करेंगे अगर ऊपर वाले में तो आपको क्राउडिंग कम से कम मिलेगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। समझ में बात? ये तो डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया, लेकिन अब मान लीजिए कि अब लॉजिक देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री का कार्बन आयन बन रहा है और यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री के हम जानते हैं कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, और फिर 3 डिग्री का होता है। वो इसलिए 2 डिग्री में क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, ये भी CH2 ग्रुप है, तो इसके द्वारा जो प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना, ठीक है, तो उस प्लस आई इफेक्ट के कारण जो आपको पता है कि कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है, तो ये कार्बन आयन 2 डिग्री का कार्बन आयन उतना स्टेबल नहीं है जितना 1 डिग्री का, तो इसीलिए हॉफमैन मेजर जो है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको जो है प्रोडक्ट ऊपर वाले अल्फा बीटा एलिमिनेशन से ही आपको मिलेगा।